नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। संगणक भर्ती एग्ज़ाम 2021 से संबंधित नोट्स है अपने पास सांख्यिकी के। तो देखिए, इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे थे अपन, सूचकांक के बारे में, और यह आज इसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में इसके बारे में समझाया गया कि सूचकांक का प्रयोग सबसे पहले कार्ले ने किया था, जो इटली से संबंधित है। तो अपन पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में सूचकांक का महत्व, इंडेक्स नंबर है उसका क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन के संबंध में आंकड़ों के निर्माण हेतु। दूसरा पॉइंट है, महंगाई भत्तों से संबंधित आंकड़ों हेतु सूचकांक आर्थिक ताप मापक यंत्र के रूप में काम में लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मुद्रा की क्रय शक्ति के मापदंड हेतु सूचकांक तैयार किए जाते हैं। व्यवसाय जगत में प्रशासकीय नियंत्रण निर्देशन हेतु सूचकांक तैयार किए जाते हैं। सूचकांक वस्तु की कीमत व मात्रा में तुलनात्मक अध्ययन ज्ञात करने हेतु काम में लिए जाते हैं। सूचकांक से प्रवृत्ति की जानकारी ज्ञात की जाती है। सूचकांक राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के मापदंड में सहायक होता है, जटिल तथ्यों को सरल बनाने हेतु, सरकारी नीतियों के निर्धारण के मापदंड हेतु। ये 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सूचकांक के महत्व के। अब बात करते हैं सूचकांक के प्रकार, कितने प्रकार के सूचकांक होते हैं। तो देखिए, मूल्य मात्रा दोनों और विशेष, तो चार प्रकार के सूचकांक है। तो मूल्य सूचकांक क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर। इस सूचकांक में किसी चर के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की जानकारी हेतु तैयार किए जाते हैं, जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फुटकर मूल्य सूचकांक। ऐसे सूचकांक व्यवसाय जगत में सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा पॉइंट है, मात्रात्मक सूचकांक। इस प्रकार के सूचकांक में किसी भी चर को उत्पादन मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मापने हेतु काम में लिए जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कृषि विक्रय सूचकांक। चौथा पॉइंट है, अर्थ सूचकांक, जिसमें मूल्य और मात्रात्मक दोनों शामिल हैं। किसी भी चर के मूल्य व मात्रा दोनों को उपयोग में लिया जाता है। इस सूचकांक में चालू वर्ष के कुल मूल्य और आधार वर्ष के कुल मूल्य में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर विशेष सूचकांक, सूचकांक तैयार करते समय आने वाली जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्या देखिए। पहली समस्या है, सूचकांक हमेशा गुणोत्तर माध्य पर सर्वश्रेष्ठ माप देता है, जिससे सूचकांक की वास्तविक माप निर्धारित नहीं किया जा सकता। सूचकांक केवल मौद्रिक माप के हेतु काम में लिए जाते हैं, जबकि किसी चर की गुणवत्ता के संबंध में किस्म और कार्य क्षमता के बारे में मापा नहीं जा सकता या माप नहीं बताते हैं। ये केवल मात्रात्मक अवधारणा है, ना कि गुणात्मक अवधारणा। तो याद रखना, सूचकांक से केवल मात्रात्मक ही ज्ञात किया जाता है, गुणों के बारे में नहीं बता सकते। सूचकांक हमेशा किसी चर के सापेक्ष माप को बताता है, अर्थात सूचकांक किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर सामूहिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। सूचकांक निर्माण करते समय होने वाली त्रुटियां, शुद्धता की कमी, तो ये इसकी कमियां हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।